हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है पर्यावरणीय शिक्षा, जिसे इंग्लिश में एनवायरनमेंट एजुकेशन कहा जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे इसके अर्थ, परिभाषा, उसके क्षेत्र, महत्व और उसकी आवश्यकता क्या होती है। तो बात करें पहले पर्यावरण शिक्षा का अर्थ। तो पर्यावरण शिक्षा वह शिक्षा होती है जो पर्यावरणीय घटकों का विस्तृत ज्ञान, पर्यावरण तथा मानव के मध्य अंतर संबंधों एवं पारस्परिक निर्भरता का ज्ञान और पर्यावरण के प्रति संचेतना का विकास कर पर्यावरण संरक्षण की आवृत्ति व कौशल का भी विकास करती है। कहने का मतलब है पर्यावरण शिक्षा वह शिक्षा होती है जो पर्यावरण के घटक होते हैं उनका विस्तृत ज्ञान करवाती है और पर्यावरण और मानव के बीच मेलजोल की भावना और पारस्परिक निर्भरता का ज्ञान। मतलब जैसे कोई कार्य है या कोई आवश्यकता है उसके लिए एक दूसरे पर निर्भर होना, तो पारस्परिक निर्भरता का ज्ञान। पर्यावरण के प्रति संचेतना का विकास, मतलब पर्यावरण को जैसे बचाने के लिए अलग अलग रक्षा का उपाय करना, जंगल की कटाई को रोकना, तो पर्यावरण के प्रति लोगों को सचेत करना। पर्यावरण के प्रति संचेतना का विकास कर पर्यावरण संरक्षण की आवृत्ति व कौशल का भी विकास करती है। जो पर्यावरण शिक्षा होती है वह पर्यावरण के सुधार के लिए पर्यावरण के संबंध में पर्यावरण के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा है। पर्यावरण शिक्षा का सामान्य अर्थ होता है पर्यावरण से संबंधित ज्ञान करना ही पर्यावरणीय शिक्षा है। नेक्स्ट है पर्यावरण शिक्षा की परिभाषा। तो चैपमैन टेलर के अनुसार, इनके अनुसार कहा गया कि पर्यावरण शिक्षा का अभिप्राय होता है सदनागरिकता विकसित करने के लिए जो संपूर्ण पाठ्यक्रम है उसे पर्यावरण के मूल्य एवं समस्याओं पर केंद्रित करना है ताकि सदनागरिकता का विकास हो सके, यानी एक अच्छे नागरिक का विकास हो सके, ताकि जो अधिगम करता है वह पर्यावरण के संबंध में भिज्ञ, प्रेरित और उत्तरदायी भी हो सके। नेक्स्ट है आर ए शर्मा के अनुसार, इनके अनुसार कहा गया कि पर्यावरण शिक्षा का आशय है भौतिक और सांस्कृतिक पर्यावरण के प्रति चेतना पैदा करने से है, ताकि जो जीवन की यथार्थ परिस्थिति है उसके साथ उसकी सार्थकता को सिद्ध करना है, ताकि जो समस्या और कठिनाई है उनकी पहचान की जा सके और जीवनदायिनी विकास को दृष्टि में रखते हुए पर्यावरण में जो भी असंतुलन है उसे भी सुधारा जा सके। तो इन सभी परिभाषाओं के आधार पर आसान शब्दों में कहा जा सकता है कि पर्यावरणीय शिक्षा जो होती है वह पर्यावरण संबंधित दी जाने वाली शिक्षा है, जिससे वह समस्याओं से अवगत हो सके, उनके समाधान का प्रयास कर सके और साथ ही जो भावी समस्या के संकट हैं उनको भी देख सके। नेक्स्ट है पर्यावरण शिक्षा का क्षेत्र, इसमें है पर्यावरण की निरंतरता। तो जो पर्यावरण है वह परिवर्तनशील है, मतलब पर्यावरण में कुछ ना कुछ बदलाव होते रहते हैं और पर्यावरण का परिवर्तनशील होना ही उसकी निरंतरता का कारण है। पर्यावरण मानव द्वारा जो किए गए नुकसान है उसकी भरपाई करने में सक्षम होता है, परंतु एक सीमा तक ही होता है। जैसे ही वह सीमा समाप्त हो जाती है वह अपनी निरंतरता को कायम नहीं रख पाता और वह प्रदूषित हो जाता है। नेक्स्ट है मानविकी के क्षेत्र में। तो जो मानव है वह प्रकृति से सुख की अनुभूति पाता है, यानी वो मानव है वह प्रकृति से सुख पाता है और जो प्राकृतिक दृश्य हैं यानी जो पेड़ पौधे हैं उसको सुख और संतोष देते हैं, और जो यह सुख और संतोष हैं वह मानविकी से संबंधित होते हैं, जब जो मानव और पर्यावरण को आपस में एक दूसरे से जोड़ती है। नेक्स्ट है कला एवं संगीत के क्षेत्र में। तो कला, संगीत और पर्यावरण पर जो सर्वेक्षण किए गए उससे यह निष्कर्ष निकला कि जो मनुष्य है वह पर्यावरण से अस्थायित्व चाहता है। कहने का मतलब है वह चाहता है कि जो प्रकृति है वह सदैव जीवनदायिनी बनी रहे, उसमें कोई भी परिवर्तन ना हो, उसमें कोई भी बदलाव ना हो, और कला और संगीत के माध्यम से जो पर्यावरण की समस्या है उनको जन चेतना का विषय बनाया जा सके और पर्यावरण के प्रति एक भावात्मक आधार, मतलब पर्यावरण के प्रति एक लगाव विकसित किया जा सके। नेक्स्ट है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी एक दूसरे के पूरक होते हैं। जहाँ एक तरफ विज्ञान जीवन की वास्तविकता से परिचित करवाता है, वहीं प्रौद्योगिकी है वह मानवीय आवश्यकता के अनुरूप नई नई चीज़ों का विकास करती है। मानव अपने जीवन में प्रौद्योगिकी के सम्मिलित ज्ञान से पर्यावरण को परिवर्तित कर रहा है। नेक्स्ट है पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता और महत्व। तो इन सारे पॉइंट्स को आवश्यकता पूछे उसमें भी लिख सकते हैं और महत्व पूछे उसमें भी लिख सकते हैं। तो जो पर्यावरण शिक्षा होती है उसका माध्यम होता है माध्यम से बालक को प्रारंभ में ही, मतलब बालक को शुरुआत में ही पर्यावरण के घटकों के प्रति सचेत करना, और युवा वर्ग में पर्यावरण चेतना जागृत करना, उनको पर्यावरण के बारे में जागरूक करना, उनकी आवृत्तियों में परिवर्तन करना ताकि वह समय रहते पर्यावरण को सुरक्षित रख सकें और अपने मतलब अपने मानव अस्तित्व की भी रक्षा की जा सके। लोगों को पर्यावरण की सत्य और तथ्यात्मक जानकारी देना, जिससे वह जानकारी के आधार पर जो भी संभावित कारण हैं उनका पता लगा सके। भावी पीढ़ी के भविष्य, जो भी आने वाली पीढ़ी है उनके भविष्य को समझकर ही क्या सही है क्या गलत है उन कार्यों को करने की सलाह देना।
स्वयं सुख से जिए और दूसरे प्राणी को भी सुख से जीने दे, ऐसी भावना को आत्मसात करने को तैयार करना, ऐसी भावना विकसित करना। समस्याओं को समझना, क्या समस्या है उसको पहले समझना, फिर उनसे निपटना कैसे है और उनका हल खोजने हेतु मनुष्य को तैयार करना। और पर्यावरण शिक्षा की समस्याओं का हल खोजना, उनके बारे में बताना, उनके बारे में जानना, तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। और उन समस्याओं की जानकारी देना, पर्यावरण शिक्षा द्वारा उन समस्याओं की जानकारी देना जो निकट भविष्य में घट सकती हैं, उन समस्याओं की लोगों को जानकारी देना और जनजीवन की विपदाओं का कारण बन सकती हैं ऐसी समस्याओं से लोगों को सचेत करना, उनके बारे में बताना। तो इस वीडियो में हमने जाना इसकी आवश्यकता और महत्व, उसके क्षेत्र और उसकी परिभाषा और उसके अर्थ। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।